Hi friends, welcome back to my channel Shikara Vlogs. ये नींबू का जूस निकाल के रखा है फ्रेंड्स. इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने लगी हूँ अभी. ये 6 पीस लेग के लिए है मैंने. चिकन तंदूरी एयर फ्रायर में बना के दिखा रही हूँ मैं आपको. नींबू का जूस एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है. अभी रेड चिली ऐड करने लगी हूँ. कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये. 2 to 2.5 टेबलस्पून ऐड किया है. ये हल्दी पाउडर ऐड करने लगी हूँ. ये काली मिर्ची है, ब्लैक पेपर पाउडर. और ये 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर है. और इसमें डालने लगी हूँ नटमेग पाउडर. 1 चुटकी डालना है. ये चिकन को टेंडर भी करता है और अच्छा फ्लेवर आता है. ज़्यादा नहीं डालना है, ओनली 1 चुटकी डालना है. ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है. और अभी थिक योगर्ट ऐड करने लगी हूँ, कर्ड. 3 to 4 टेबलस्पून ऐड करना है. अभी इन सब चीजों को मिक्स करना है और सॉल्ट भी डालना है. 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है. इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है अच्छे से. एंड फिर चिकन को मैरिनेट, इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके अभी मैरिनेट करना है चिकन को. ये ऐसे कट्स लगाना है चिकन को ऐसे. और एक दिखाती हूँ आपको. चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ मैं. जो हमने मसाला बनाया था उसको अच्छा मैरिनेट करके 2 to 2.5 आवर्स तक रखना है. अभी मैरिनेट किया हुआ चिकन रख रही हूँ मैं एयर फ्रायर में. 2 रखा है फिलहाल. अभी ऑन कर लिया है मैंने. 1/2 आवर में आपको बताऊंगी मैं रिजल्ट. अभी 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स ये दाल के. इसका कंडीशन ऐसा है, देखिए. अभी और 11 मिनट्स बाकी है बनने में. अभी और 7 मिनट बाकी है बनने में. ये अभी और 4 मिनट बाकी है फ्रेंड्स. अभी बस 1 मिनट है फ्रेंड्स ये बनने में.
अभी मैं ओपन करने लगी हूँ एयर फ्रायर को। ये सेकेंड बैच भी डालने वाली हूँ अभी। चिकन तंदूरी तैयार हो चुका है, मैंने दूसरा भी डाला है इसमें, ये बार 3 पीसेस डाला है आधे घंटे के लिए। अभी और 10 मिनट्स है फ्रेंड्स ये दूसरा बैच बनने में तंदूरी चिकन का। मैरिनेशन के मसाले में थोड़े जन कलर भी ऐड करते हैं, रेड फूड कलर मैंने ऐड नहीं किया है, आप ऐड कर सकते हैं, आपका ऑप्शन है वो। अभी 2 मिनट बाकी है फ्रेंड्स तंदूरी चिकन बनने में। अभी 1 मिनट बाकी है, बस ये हो गया है फ्रेंड्स, अभी 0 पे आ गया है। ओपन कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स तंदूरी चिकन रेडी हो गया है। और हमने टेस्ट भी किया था, जो पहले 2 बनाया था ना उसमें टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा बना है, सब कुछ परफेक्ट था, कुक भी अच्छे से हुआ ये एयर फ्रायर में, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, ये पूरा एयर फ्रायर से ही बना हुआ है। ये वो चिकन का ही ऑयल जो है ना वो रिलीज होके अच्छे से बना हुआ है।